अब नॉर्मली हम किसी भी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन को निकालते कैसे हैं? तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट होता है, इसके कई तरीके के रूल्स हैं। फर्स्टली हम इसको मतलब जनरली तीन क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, सेकेंड आपका इनऑर्गेनिक एक्सेप्ट कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, एंड थर्ड क्लास है आपकी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसको तो थर्ड क्लास के जो कंपाउंड्स है कोऑर्डिनेट, इनको तो हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के साथ डिस्कस करेंगे। इन दो कंपाउंड के लिए हम डिस्कस करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिंगल बॉन्ड जो होता है आपका, दैट इज सिग्मा, डबल बॉन्ड वन सिग्मा वन पाई, ट्रिपल बॉन्ड वन सिग्मा एंड टू पाई। ठीक है, और जो लोन पेयर है उनको भी आप रखते हैं। ठीक है, तो लोन पेयर को भी आप कंसीडर करने हैं। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या होते हैं? जैसे आपकी अमोनिया है, अमोनिया के पांच इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके साथ आपके This one hydrogen. तो ये जो आपके अमोनिया है, तो ये जो आपके क्या हो गए, बॉन्ड पेयर। This one is lone pair. ये आपका lone pair कहता है। तो bond pair, lone pair जो है आपके, इनमें ध्यान रखिएगा कि lone pair की interaction ज्यादा होती है, is greater than lone pair. बॉन्ड पेयर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो फर्स्टली जो आपके जो लोन पेयर है वो भी ज्योमेट्री में हाइड्रेशन पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यदि किसी कंपाउंड के पास चार सिग्मा बॉन्ड होते हैं, जैसे कार्बन का हम एग्जाम्पल ले, तो आपका कौन सा होगा, sp3। तीन सिग्मा होंगे तो आपका sp2, और दो सिग्मा होंगे तो आपका sp हाइड्रेशन। तो जैसे आपका मान लीजिए, और एक से ज्यादा भी टाइप का हाइब्रिडाइजेशन एक मॉलिक्यूल में हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक कंपाउंड है CH3CH डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ठीक है, इसका कार्बन का नाम हमने मान लो 1 दे दिया, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5। ठीक है, तो इसमें आप देखें इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो इसमें आपका ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये पाई, ये पाई। ठीक है, इस हाइड्रोजन एटम को आप अलग कर दें, थोड़ा सा ओपन कर लें स्ट्रक्चर को, जैसे हो गया, इसको भी ऐसी कर लें, और H3 को भी ऐसे कर लें। ठीक है, तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा। तो बॉन्ड जो होता है आपका दोनों ही उसका होता है, एटम्स का। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 जो आपने नंबर डाले थे कार्बन, तो इसमें आप देखें कि भाई इस कार्बन के पास कितने सिग्मा है, एक और एक, ये दो, तो ये कितने हो गए, दो सिग्मा, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन। इसके पास कितने हो गए, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, एक दो तीन सिग्मा, तो इसका पास कितने हो जाएंगे आपके, तीन सिग्मा, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके पास कितने सिग्मा, 1, 2, 3 तीन सिग्मा है, तो इस पर sp2। इसके पास कितने सिग्मा है, 1, 2, 3, 4, तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3। अब जैसे हम देखें बेंजीन में आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एंड इसमें आपका सिग्मा और पाई की रेशियो क्या है। तो इसमें सिग्मा और पाई की रेशियो निकालने के लिए आप इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखें, ये C है, ये H है, ये C है, ये H है, ये C H है। ठीक है, तो जितने भी सिंगल बॉन्ड है दीज आर सिग्मा बॉन्ड्स, ये
sigma, E 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 pi, E pi. ठीक है, तो कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 12 सिग्मा है और पाई 3 है टोटल बेंजीन मॉलिक्यूल. तो इसमें सिग्मा और पाई की रेशियो क्या हो जाएगी? दैट इज 12 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 4:1. ये आपका आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है. अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन का कैसे होगा? तो एक कार्बन के पास देखिए कितने सिग्मा है, 1, 2, 3. ठीक है, और चौथा बॉन्ड वो पाई है. कार्बन की चार वैलेंसी होती है तो 3 सिग्मा है, यानी कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2. तो बेंजीन में जो हर एक कार्बन एटम है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और उसकी शेप क्या होती है? प्लानर. तो इस तरीके से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन में जिसके जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से करते हैं कि उनके पास सिग्मा पाई बॉन्ड को काउंट कर लेते हैं. उसके बाद जैसे आपका एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मान लीजिए पिरिडीन है तो इसके पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? तो ये दो तो इसके पास सिग्मा हो गए और एक एक लोन पेयर हो गया, तो 2 सिग्मा + 1 लोन पेयर दैट इज इक्वल्स टू 3 हो गए, तो ये आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा. इसी तरीके से ये आपका कंपाउंड हो जाता है NH, जिसको हम क्या बोलते हैं? पिपरिडीन. ठीक है, तो NH को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि N बॉन्ड H, तो ये सिग्मा इसके पास, ये सिग्मा और एक लोन पेयर है, तो इसमें जो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3, 3 सिग्मा + 1 लोन पेयर, तो ये आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. तो इस तरीके से आपने इसमें ये चीजें ध्यान रखनी है. जैसे मान लीजिए आपका इथेनॉल है, ठीक है, तो इसका जो ऑक्सीजन में जो है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर रिप्रेजेंट है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3, 2 sigma + 2 lone pair. ठीक है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ वी विल वर्क आउट द हाइब्रिडाइजेशन, मतलब किस मॉलिक्यूल में किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन होगा उसको हमें डिस्कस करना. तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, H=1/2V + m-c + a. ठीक है, H=2 नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. ठीक है, इफ यदि आपकी एच की वैल्यू 2 आए इट मीन sp, 3 आए देन sp2, 4 आए देन sp3d, sp3, 5 आए sp3d, एच की वैल्यू 6 आए sp3d2, एच की वैल्यू 7 आए sp3d3. और वी क्या होता है आपका? वी इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम. m = नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स. c = चार्ज ऑन कैटन. a = चार्ज ऑन एन. तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं हम लोग यूज करते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग H2O लेते हैं कि भाई H2O में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसके लिए V की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 8, M की वैल्यू 2, c = 0 एंड a = 0. तो आपका h = क्या आ जाएगा? 1/2V + m-c + a दैट इज इक्वल टू 4, यानी इसमें आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. अब इसके हम और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे pcl5. तो pcl5 में h = 1/2, सेंट्रल एटम कौन सा है? फास्फोरस. इसके पास कितने हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, +5 आपके मोनोवैलेंट एटम है, -0 + 0 दैट इज इक्वल टू 5. तो इसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d. जैसे आप नाइट्रेट आयन लेते हैं तो इसमें आपका जो है H = V आपका कितना हो जाएगा? 5
n is equals to 0 or a is equals to 1. So, you have square root value put kari, 1 by 2, 5 plus 0 minus 0 plus 1, that is equals to 3. So, what is your sp2 hybridization? जैसे आपने अमोनियम ले लिया, ठीक है, अमोनियम पे आपने फार्मूला लगाया, तो इसके पास V is equals to कितना हो गया, 5, M is equals to 4, C is equals to 1, A is equals to 0, तो इस वैल्यूज को फार्मूला पुट करा हमने, तो H is equals to 1 by 2, 5 plus 4 minus 0, और आपका minus 1, प्लस 0 तो दैट इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 4 यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के और भी तरीके हैं जिनको हम लोग और सबस्टेंसेस में अप्लाई करेंगे. तो हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप जानना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन को वर्कआउट कीजिए. जब आपका हाइब्रिडाइजेशन करेक्ट आ जाएगा तो उसके बाद आप लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाइए. लूज डॉट स्ट्रक्चर के बाद आप उसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को देखिए. ठीक है, यदि उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है तो उसकी फिर एक सिंप्लीफाइड ज्योमेट्री होगी और उसमें बॉन्ड एंगल भी एक सिंप्लीफाइड होगा. यदि उसमें आपका लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो फिर हमें उसकी ज्योमेट्री के बारे में सोचना पड़ेगा. उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं जिनको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. तो जैसे आपका कहीं भी एसपी हाइब्रिडाइजेशन है और कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो आपका जो एसपी हाइब्रिडाइजेशन है इसकी ज्योमेट्री आपकी क्या होती है, लीनियर. बॉन्ड एंगल इसमें होता है आपका 120. एग्जांपल जैसे आपका बेरिलियम क्लोराइड. ठीक है, आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप क्या होगी, ट्राइगोनल फ्लावर. और बॉन्ड एंगल आपका होगा 120, तो तीन होंगे एंगल और एग्जांपल है BCL. ठीक है, अब sp3 है आपका हाइब्रिडाइजेशन तो इसकी शेप होगी आपकी टेट्राहेड्रल. बॉन्ड एंगल आपका होगा 109 डिग्री 28 मिनट का. एग्जाम्पल है आपके मीथेन. sp3d तो आपका इसकी जो भी शेप होगी ट्राइगोनल बायपिरामिड. बॉन्ड एंगल आपके होंगे 3 तो 120 के एंड 2 90. जैसे एग्जाम्पल है आपका PCL5. ठीक है, इसके बाद आपका है sp3d2. इसकी शेप होगी ऑक्टाहेड्रल, 4 एंगल 90 के और 2 एंगल 90 के, एक अबाव और एक बिलो. उसके बाद आपका sp3d3, इसकी जो शेप होगी पेंटागोनल बायपिरामिडल. पांच एंगल 72 के होंगे पेंटागन में और 2 एंगल 90 के. ठीक है, ऑक्टाहेड्रल का आपका एग्जांपल था SF6 और इसका एग्जांपल है IF7. ठीक है, तो ये जो मेन आपके हाइब्रिडाइजेशन है ये आपके सिलेबस में इनके जो थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल है उनकी जो शेप्स है उनको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. आपका जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें जो ट्राइगोनल प्लानर शेप बताते हैं वो इस तरीके की होती है आपकी. ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप आपकी इस तरीके की होती है. ये टेट्राहेड्रल होता है आपका कार्बन जैसे यहां पर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अटैच है और ये जो एंगल है इनके बीच में दिस वन दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट का होता है आपका थ्री डायमेंशन. ठीक है, ये आपका एक एल्कीन का मॉलिक्यूल है जिसमें 120 एंगल दिखाए गए हैं और डबल बॉन्ड को हमने शो करा है. ठीक है, इस तरीके से मॉलिक्यूल थ्री डायमेंशनली सिचुएटेड होता है. इसके बाद जो है
ये आपकी जो शेप है इसको आप ध्यान से देखें तो दैट इज द ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ये तीन एंगल 120 पर जुड़े हुए हैं और दो एंगल ये ऊपर नीचे 90 पर है, ठीक है। तो ये जो शेप है आपकी ट्राइगोनल बायपिरामिडल बनाई है आपके, और ये जो है आपकी ऑक्टाहेड्रल शेप है, ठीक है, जिसमें ये चार वैलेंसीज 90 के एंगल्स पे और एक ऊपर और एक नीचे है। और ये जो है आपका इथेन का मॉलिक्यूल है जिसमें 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल है, ये फ्री रोटेशन आपका पॉसिबल है। तो जो हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो अभी तक हमने ये मान के चले थे कि भाई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, sp में तो खैर होता ही नहीं है, तो यदि लोन पेयर प्रेजेंट हो तब किस तरीके से शेप होगी। तो जैसे आपका एग्जाम्पल है SO2, ठीक है, SO2 में आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाला 1/2 वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। तो सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, मोनोवैलेंट एटम 0 है प्लस 0, तो आपका आ गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब इसका आप जो है लुइस डॉट स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, तो लुइस डॉट स्ट्रक्चर में इसका ये सल्फर के दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए और ये 4, 5, 6 ये जो पहले वाला एग्जाम्पल था इसमें क्या थे, तीन बॉन्ड पेयर थे, तो यहां पर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू 3। तो बॉन्ड पेयर आपके 3 है प्लस 0 है तो आपका ये शेप। लेकिन अब जैसे ये दो बॉन्ड पेयर है, ये जो बॉन्ड पेयर है दो ये पाई बॉन्ड के हैं, तो पाई बॉन्ड विल नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, तो अल्टीमेटली हमारे को यहां पर सिग्मा बॉन्ड पेयर जो है उनको देखना है। तो यहां पर जो ये वाला केस है तो यहां दो बॉन्ड पेयर है प्लस एक लोन पेयर है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3। तो यहां पर आपको जो है नॉर्मली तो शेप क्या होगी आपकी ट्राइगोनल प्लानर, ये सल्फर ये ये ये, लेकिन क्या है इस वैलेंसी पे लोन पेयर आ गया। और हमेशा ध्यान रखिएगा लोन पेयर विल नॉट पार्टिसिपेट इन ज्योमेट्री, इट डिस्टॉर्ट्स द ज्योमेट्री, लोन पेयर ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसे डिस्टॉर्ट कर देगा। तो यहां पर आपका ऑक्सीजन रहेगा, यहां पर आपका ऑक्सीजन रहेगा, इस लोन पेयर को हम हटा दें तो आपकी जो ये शेप बचेगी वी शेप, और इसको हम कह सकते हैं बैंड शेप। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि लोन पेयर इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन लोन पेयर इज स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड पेयर, इंटरेक्शन से ही आपकी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। तो अब वन बाय वन हम ऐसे ही और हाइब्रिडाइजेशनों में केसेस और उनके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। अब जैसे आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपके जो सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दैट इज इक्वल्स टू 4 रहता है, ठीक है। तो पहला केस ये है कि भाई चार बॉन्ड पेयर है, 4+0 का केस है, जैसे एग्जाम्पल आपका मीथेन का, तो इसमें आपकी ज्योमेट्री सिंपल सीधी सीधी टेट्राहेड्रल होनी थी और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का, ठीक है। अब ये आपके 3 है और ये 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4 है, जैसे एग्जाम्पल अमोनिया। आप इसका लूज डॉट स्ट्रक्चर बना के देखें तो ये बनेगा, तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, तो आपके अकॉर्डिंग जो इसकी नॉर्मली ज्योमेट्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल, यहां पर हाइड्रोजन आ गया, यहां पर आ गया और आपका यहां पर आ गया, यहां पे लोन पेयर आ गया। अब ये लोन पेयर तो आपका ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, इसको हटा दे, तो यहां पर जो इन दोनों के बीच में एंगल है वो अमोनिया में 107 डिग्री का रह जाता है, क्योंकि लोन पेयर को जो है स्पेस ज्यादा चाहिए होती है और जो शेप बनती है वो आपकी
पिरामिडल बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग केस लेंगे वो आपका, जैसे दो बॉन्ड पेयर है और दो लोन पेयर है, दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, जैसे एग्जांपल है आपका वाटर, वाटर का लूज डॉट स्ट्रक्चर ये बन जाता है। ठीक, दो बॉन्ड पेयर हो गए आपके, दो लोन पेयर हो गए, तो यहां पर भी आपके अकॉर्डिंग जो शेप होनी चाहिए थी, ट्रायंगल होनी चाहिए थी, लेकिन जो है लोन पेयर आपके ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो ये जो शेप हो जाएगी आपकी वी शेप हो जाएगी, और वाटर का जो एंगल होता है ये 104 डिग्री का होता है। ठीक है ना, वाटर में एंगल घटके आपके 109 से 104 डिग्री का रह जाता है। सो हाइब्रिडाइजेशन में जैसे आपकी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो इसमें आपके बॉन्ड पेयर सिग्मा प्लस लोन पेयर दैट इज इक्वल टू 5। फर्स्ट केस आपका ये होता है कि भाई ये 5 है प्लस 0, तो आपकी ज्योमेट्री क्या होती है, आपकी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, तो बेसिक ज्योमेट्री आपकी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल रहेगी एग्जांपल्स में। अब आपका एग्जांपल जैसे 4 लोन बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर है दैट इज इक्वल टू 5, जैसे एग्जांपल इसका SF4, तो इसमें जैसे SF4 में हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो H इज इक्वल टू 1/2, तो आपका 6 प्लस 4 माइनस 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 5 आ गया, यानी कि sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब इसकी जो आप शेप बनाएंगे, तो शेप बनाते वक्त इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि दिस रूल इज एप्लीकेबल टू अंडरस्टैंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रिफर्स टू स्टे एट एक्सियल पोजीशन, वेयर एज लोन पेयर प्रिफर्स टू स्टे एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ये आपकी जो है ज्योमेट्री आप मान सकते हैं ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ठीक है, इन सबको पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, एक प्लेन के हो गए, ऊपर नीचे हो गए, तो यहां पे आपने सर्कल लगा दी, यहां एफ लगा दी, यहां एफ लगा दी, यहां एफ लगा दी, यहां एफ, और ये लोन पेयर, तो ये लोन पेयर आपको ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो नेट रिजल्टेंट 6 आपकी ये बचेगी, तो ये बचेगी, तो इस शेप को हम बोलते हैं सीसॉ शेप, तो इस शेप को हम बोलते हैं सीसॉ शेप। और नेक्स्ट केस है आपका इसमें 4 और 3 and 2 का, जिसका एग्जांपल जैसे आपका CLF3 है, CLF3 का आपको जो है हाइब्रिडाइजेशन निकालना, तो H=1/2 7+3-0+0 तो आपका 5 आ गया, यानी sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रक्चर बनाए लुइस डॉट, तो इसका ये बनेगा आपका 1, 2, 3, 4 ठीक है, और 5, 6, 7 ये आपका एक फ्लोरिन आइटम आ गया, ये दूसरा फ्लोरिन आइटम आ गया, ये आपका तीसरा फ्लोरिन आइटम आ गया। ठीक है, तो आपके इसके पास 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो गया, तो आपके अकॉर्डिंग वो जो बेसिक ज्योमेट्री है वो आपकी क्या हो जाएगी, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ठीक है, ये आपकी इक्विटोरियल वैलेंसीज है, ये आपकी एक्सियल वैलेंसी है, एक्सियल दिस वन, एक्सियल दिस वन, इक्विटोरियल दिस वन, इक्विटोरियल दिस वन, इक्विटोरियल। ठीक है, तो यहां पर जो है आपके दो लोन पेयर हैं, लोन पेयर जो आपके कहां पर जाएंगे कि वो आपकी एक्सियल पोजीशन पर रहना पसंद करेंगे, यानी कि यहां पे लोन पेयर आ जाएगा, यहां पे लोन पेयर आ जाएगा, यहां पर आपका एक एफ आ गया, ये सीएल हो गया, ये एफ, ये एफ, और लोन पेयर आपका पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो नेट ज्योमेट्री आपकी दिस वन, इसको आप बोलेंगे पी शेप।
ठीक है. नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल है वो दिस वन इज 2 and 3. जैसे आपका एग्जांपल है ZEF 2 इज नॉट हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो 1 + 2 8 + 2 - 0 + 0 दैट इज इक्वल टू 5 यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन. इसका मीन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे 3 4 5 6 और ये 7 8 एक फ्लोरीन एटम ये आ गया, एक फ्लोरीन एटम आपका ये आ गया. ठीक है, तो इसके पास आपके 3 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर है. तो वही आपकी पुरानी बात की भी ये आपकी इक्विटोरियल बैलेंसेज हो गई और ये एक्सियल हो गई. तो यहां पर आपके लोन पेयर आ गए तीनों बैलेंसेज पर ZE, ये आपका F, ये आपका F. तो यहां पर जो आपकी शेप हो गई ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं लीनियर. तो लीनियर शेप केवल sp हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होती बल्कि आपके sp3d हाइब्रिडाइजेशन के केस में भी हो जाती है कि जब आपका 3 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर का केस. अब जो है हम लोग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के केसेस में डिस्कस करेंगे. तो इसमें आपके बॉन्ड पेयर सिग्मा प्लस लोन पेयर का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 6 और जो नॉर्मल ज्योमेट्री होती है इसकी दैट इज ऑक्टाहेड्रल. ठीक है, तो यदि आपके इसके पास मान लीजिए आपके 6 बॉन्ड पेयर हैं प्लस 0 लोन पेयर है तो आपकी शेप होनी होगी ऑक्टाहेड्रल और सारे एंगल 90 के होने. यदि आपके 5 बॉन्ड पेयर हैं प्लस 1 लोन पेयर है तो आपकी जो शेप होती है ठीक है, एक वैलेंसी पर लोन पेयर आ जाता है तो आपकी जो शेप होती है वो स्क्वायर पिरामिड. ऑक्टाहेड्रल में सारी वैलेंसियां चूंकि सेम होती हैं तो आप जो हो किसी भी वैलेंसी पर लोन पेयर लगा ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. आपके यदि यहां पे 4 बॉन्ड पेयर हो प्लस 2 लोन पेयर हो तो उस केस में ज्योमेट्री जो है आपकी जैसे आपकी ये हो जाती है और इन पर लोन पेयर लोन पेयर. इसका एग्जांपल जैसे आपका ZEF4 है ठीक है, इसकी जो ज्योमेट्री आपकी ये आपकी स्क्वायर प्लानर होती है तो ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करते तो ये स्क्वायर प्लानर. ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम सबस्टेंस की जो ज्योमेट्रीज है उनको बताते हैं. ज्योमेट्रीज में और भी बहुत सारे मतलब रूल्स लगते हैं, एक्सेप्शंस भी होती हैं, साइंस है एक्सेप्शंस की साइंस होगी तो उन केसेस के बारे में भी हमारे को ध्यान रखना पड़े. सो ड्रैगो रूल इज दिस वन, इफ द सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू 3rd पीरियड और ऑनवर्ड्स और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स इज 2.5 और लेस देन देन हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट पॉसिबल. सो यदि आपके सराउंडिंग एटम्स की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम होती है तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता. जैसे हाइड्रोजन एस की 2.1 होती है, आपकी सल्फर की भी कम होती है तो इन सब में आपका कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता. ठीक है,